तो डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चैप्टर टू ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप टू। ओके, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हम लोग रिवीजन करेंगे किसका, स्वॉट एनालिसिस का। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया, स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो इसको लेकर के हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं स्वॉट एनालिसिस का। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल टू योर कंपनी। कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे इंटरनल मैटर है। अगर हम किसी मामले में स्ट्रांग है, हमारी कंपनी फर्म हमारी स्ट्रांग है, तो हमारा इंटरनल मैटर है। अगर हम वीक है, ये भी इंटरनल मैटर है। ये बहुतों को नहीं पता, हमारे कंपटीटर्स को थोड़े ना पता है चीज। ऑर्गेनाइजेशंस के भी वीकनेस है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, उनके भी वीकनेसेस है। सो थिंग्स दैट यू हैव सम कंट्रोल ओवर एंड कैन चेंज, ये हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये SWOT देख रहे हो ना, ये स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल मैटर टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनल मैटर टू द ऑर्गेनाइजेशन है, विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और विच कैन बी चेंज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, विच कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथ ऑब्वियसली नहीं मिनिमाइज करेगा, वीकनेस को मिनिमाइज करेगा। एग्जाम्पल्स इंक्लूड हु इज ऑन योर टीम एंड योर पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, योर लोकेशन, ये हमारी बिजनेस की लोकेशन, हमारा जो पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, हमारे बिजनेस के टीम में कैसे लोग हैं, ये सब हमारी अच्छे टीम मैनेजमेंट है, तो ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, स्ट्रेंथ है। एंड अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो होता है ना, ये एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट से आता है। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट्स, ये बाहर से आते हैं। थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन आउटसाइड योर कंपनी एंड इन द लार्जर मार्केट, वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ आवर अपॉर्चुनिटीज, वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द थ्रेट्स, बट यू कैन नॉट चेंज देम, थ्रेट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल इंक्लूड कंपिटिटर्स को, ये जो थ्रेट है हमें कहाँ से आते हैं, हमें थ्रेट अपॉर्चुनिटीज का हम क्या कर सकते हैं, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग कुछ अपॉर्चुनिटीज अगर हमें मिलते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटीज का हम बेनिफिट लेकर के अपने बिजनेस में एडवांटेज लेके आगे निकल सकते हैं। लेकिन हमारे जो थ्रेट्स आ सकता है, वी कैन नॉट स्टॉप, वी कैन नॉट चेंज द थ्रेट्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट्स। लेकिन ये थ्रेट्स क्या है, जैसे कंपिटिटर्स, प्राइस ऑफ द रॉ मेटेरियल्स, कस्टमर होपिंग ट्रेंड्स, तो ये सब चीज हमारे लिए क्या है, थ्रेट्स। देखिए क्या है, मैंने पूरा यहाँ पर डिटेल में लिख के रखा है स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को। देखिए क्या है, आपके सामने हमने पूरा रख दिया है, ध्यान से देखोगे एकदम अच्छे से। स्ट्रेंथ क्या है, थिंक्स योर कंपनी डज वेल, जो अच्छे से हमारी कंपनी कर पाती है, वो हमारे लिए क्या है, स्ट्रेंथ है। जो और हमारे इंडस्ट्री में एंगेज और लोग नहीं कर पाते, जो हमारी कंपनी करती है, वो हमारे लिए क्या, स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट, क्वालिटीज दैट सेपरेट फ्रॉम योर कंपिटिटर्स, हमारी क्वालिटी हमारे कंपिटिटर से क्या है, अच्छी है, ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रेंथ है। हमारे जो कंपिटिटर है, द क्वालिटी विच योर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर इज डिफरेंट फ्रॉम योर कस्टमर, इज द स्ट्रेंथ फॉर योर कंपनी। फिर इंटरनल सोर्सेस, हमारे कुछ इंटरनल सोर्सेस है, जैसा कि हमारे इंटरनल मैनेजमेंट पर्सनल हमारे स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास स्किल्ड नॉलेजेबल स्टाफ है, ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रेंथ है। एक बिजनेस में क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, मैं किसी एक बिजनेस का नहीं बता रहा हूं, एक प्रॉपर बिजनेस वर्ल्ड की मैं बात करूं, किसी बिजनेस में क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं आप लोगों से। जैसे हमारे कंपनी में क्या ऐसा चीज है जो हम अपने कंपिटिटर से बेहतर मार्केट को दे पा रहे हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ फॉर द आवर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स है, हमारे पास बिजनेस के बेटर अपॉर्चुनिटीज है, नॉलेजेबल स्टाफ है हमारे पास, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, स्ट्रेंथ है। देन टैंजिबल एसेट्स, जैसे हमारे इनटैंजिबल एसेट्स होगा, ये इनटैंजिबल एसेट्स हैं, इसमें जैसे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, हमारे पास कैपिटल प्रॉपर्टी है, टेक्नोलॉजी है, लाइसेंस है हमारे पास, ये सब हमारे बिजनेस के लिए क्या है, स्ट्रेंथ होता है। वीकनेस क्या होता है बिजनेस में, किसी भी बिजनेस का वीकनेस क्या है, वह ऐसा चीज
जो हमारे कंपिटिटर्स तो कर पा रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी कमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, लैकिंग है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है इंटेंजिबल एसेट्स होता है, यहां पे मैंने इसलिए लिखा। तो थिंग्स योर कंपनी लैक्स विच योर कंपिटिटर इज डूइंग दैट इज द वीकनेस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीकनेस है। थिंक्स योर कंपिटिटर्स टू बेटर देन यू, ऐसा कोई बिजनेस में ऐसा कोई वर्क जो कि आपके कंपिटिटर तो परफॉर्म कर रहे हैं बट आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो, ये आपके लिए क्या है, वीकनेस है। लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल टू इन योर ऑर्गेनाइजेशन देन योर कंपिटिटर्स, ये हमारे लिए क्या है, वीकनेस होता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड अनक्लियर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, क्लियर सेलिंग प्रोपोजिशन हमारे पास नहीं, हमारे लिए वीकनेस है। मतलब हमारी सेल्स वॉल्यूम कितना मार्केट को जाएगी, हम कितना मार्केट में हमारा सेल्स शेयर है, ये क्लियर नहीं है कभी भी, ये हमारे लिए वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज हमारे बिजनेस में क्या आ सकता है, ये दोनों हमारे इंटरनल होते हैं, ये बिजनेस के लिए क्या होते हैं, ये दोनों इंटरनल है। बात समझ में आ रही ना, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दोनों बाहर के वर्ल्ड से आते हैं। अगर हमारे कुछ स्ट्रेंथ है तो हम उस अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं, और थ्रेट हमारे को भी एक्सटर्नल वर्ल्ड से ही आते हैं। देखिए क्या अपॉर्चुनिटीज, अंडर सर्व्ड मार्केट कोई आ रहा है हमारे पास, ऐसा कोई न्यू मार्केट हमारे पास आ रहा है हमारे बिजनेस में जिसको हम इजिली सर्व कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज है। हम जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं, हम जिस सर्विसेज में डील करते हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विस में डील करने वाले हमारे एरिया में कम नंबर ऑफ कंपिटिटर्स हैं, ये हमारे लिए बिजनेस में क्या, अपॉर्चुनिटीज है। इमर्जिंग नीड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज, हमारी कंपनी एक नया प्रोडक्ट और नया सर्विस बना रही है या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और जिसका नीड पीपल को बहुत ज्यादा, जो अदर कंपिटिटर्स अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो उसका हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर के ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे लोगों को नीड है उस प्रोडक्ट की, वैसे सर्विसेज की लोगों की रिक्वायरमेंट है और कोई कंपनी अभी तक ये सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा, हम ऐसा करेंगे। तो ऐसा करने वाली कंपनी, आपका इमर्जिंग नीड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये अपॉर्चुनिटीज होता है। एंड प्रेस मीडिया कवरेज ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी का प्रेस में मीडिया में कितना कवरेज है, ये आपके कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज है। या अगर मान लो प्रेस में मीडिया में आपकी कंपनी कवर्ड हो रही है कि ये इतना ग्रो कर रहा है, कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस में। ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, इमर्जिंग कंपिटिटर्स, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जहां पर कंपिटिटर्स नहीं आते, न्यू कंपिटिटर्स नहीं बनते हैं, नए न्यू कमर्स बिजनेस में नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। और ज्यादा बढ़ता हुआ इमर्जिंग कंपिटिटर्स जो फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है, वह किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए थ्रेट हो सकता है, होता है। चेंजिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स, बिजनेस के रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स में चेंज हो रहा है, बिजनेस में गवर्नमेंट्स के रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी चेंज कर रही है, एक्ट चेंज कर रहा है जिस एक्ट के अंडर हमारा बिजनेस रेगुलेटेड होता है, तो ये सब बिजनेस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से भी बिजनेस में क्या हो सकते हैं, थ्रेट आ सकते हैं। निगेटिव प्रेस और मीडिया कवरेज, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज में या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें हम इंगेज्ड हैं, उसमें मीडिया में निगेटिव कवरेज आ रहा है अगर, तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, थ्रेट आ सकता है। अच्छा कवरेज मीडिया में आ रहा है तो हमारे बिजनेस को इसका अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन अगर बैड न्यूज आ रहा है तो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, थ्रेट है। चेंजिंग कस्टमर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर कंपनी, कस्टमर की एटीट्यूड बदल रही है। जैसे टाइम टू टाइम ऐसा होता है ना कि किसी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी कंपनी के सर्विसेज को लेकर के हमारे जो थिंकिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होने लगते हैं। जब पहली बार ओला उबर मार्केट में आया हुआ था तब हमारी उसके टुवर्ड्स थिंकिंग कैसा था, और टाइम टू टाइम अभी आप एक कैब बुक करते हो जो आपको चार्जेस दिखाता है, उससे ज्यादा चार्जेस जब आप कैब छोड़ के उतरते हो तब ज्यादा चार्जेस आपसे लिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो कस्टमर्स की जो एटीट्यूड है या थिंकिंग टुवर्ड्स दैट कंपनी, वह धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, और जब ये चेंज होता जाएगा तो हमारे लिए क्या बनता जाएगा, थ्रेट बनता जाता है बिजनेस के लिए, थ्रेट बनते जाता है। हाउ टू कंडक्ट अ शॉर्ट एनालिसिस, कैसे हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की एनालिसिस हम कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले, हाउ टू कंडक्ट अ शॉर्ट एनालिसिस। बच्चों इसमें मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि इस नोट्स को भी, अगर हमारे बनाए गए नोट्स ऑब्वियसली आपको ये दिए जाएंगे, ठीक है, जो हमारे नॉन स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिए जाएंगे ये, ठीक है, ड्राइव्स का लिंक सबको मिल जाएगा वो। लेकिन बच्चों
अगर आपने इसको भी अच्छे से अगर कर लिया ना, तो 30 में एटलीस्ट 25 तो आप आराम से निकाल लोगे। सिर्फ एसएम की मैं बात कर रहा हूँ, ओएम तो अभी पड़ा हुआ है पूरा, ठीक है। हाउ टू कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस टू डिटरमाइन व्हाट योर स्ट्रेंथ आर एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कुड बिगिन बाय आस्किंग समथिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू द कस्टमर लव अबाउट योर कंपनी और प्रोडक्ट्स। कैसे हम करते हैं डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने मैं स्वॉट एनालिसिस करने वाला हूं, तो इस पॉइंट में मैं स्ट्रेंथ की एनालिसिस करने जा रहा हूं। अपनी स्ट्रेंथ की एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं, कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में एनालिसिस हो रहा है। तो स्ट्रेंथ के बारे में जब हम एनालिसिस करेंगे, हमारी मजबूती क्या है, क्या ऐसा है एडुकुंज एकेडमी में जो स्टूडेंट्स एडुकुंज एकेडमी को लव करते हैं, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की हम एनालिसिस कर, बात समझ आ रही है ना मेरी। तो व्हाट डिटरमाइंड व्हाट योर स्ट्रेंथ एज आर एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू कुड बिगिन बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाइल एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू द कस्टमर लव अबाउट योर कंपनी और प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी अपने जब स्ट्रेंथ की एनालिसिस करती है, तो उसको पहला माइंड में अपने क्वेश्चंस यही आना चाहिए कि कस्टमर हमारे कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या ऐसा चीज है जो ज्यादा उसको लव करते हैं, क्यों हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करना चाहती है, ये हमारी स्ट्रेंथ की वजह से है। व्हाट डज योर कंपनी डू बेटर देन कंपनीज इन योर इंडस्ट्री। एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनी एंगेज होते हैं, बहुत सारे सेम एरिया में वर्क करने वाले बहुत सारे कंपनीज मिलकर के एक इंडस्ट्री का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे इंडस्ट्री में जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज है, आप एक सीमेंट इंडस्ट्री में कितने सारे कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं ना। तो हमारी कंपनी में ऐसा क्या है जो हमारे कंपटीटर्स नहीं कर पा रहे और हम कर पा रहे हैं। व्हाट डज योर कंपनी डू बेटर देन द कंपनीज ऑलरेडी एंगेज्ड इन योर इंडस्ट्री, ये हमारे लिए स्ट्रेंथ है। व्हाट आर द मोस्ट पॉजिटिव ब्रांड एट्रीब्यूट्स। मोस्ट पॉजिटिव ब्रांड एट्रीब्यूट्स क्या हमारे, ये हमारी स्ट्रेंथ है। व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, किस वजह से सेल्स हमारे बढ़ते हैं। एंड व्हाट रिसोर्स डू यू हैव एट योर डिस्पोजल दैट योर कंपटीटर डू नॉट। क्या ऐसा आपके पास रिसोर्स है सेल्स पॉइंट पे जो आपके कंपटीटर्स नहीं दे पा रहे। ये सब चीजों को अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम अपने स्ट्रेंथ को एनालाइसिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हु कैन यूज द सेम प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द कंपनीज वीक। कैन यूज द सेम प्रिंसिपल टू डिटरमाइन योर कंपनीज वीकनेस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन सभी में वीकनेस है, चाहे वो गूगल ही क्यों नहीं है, ठीक है। तो कंपनी जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेस को डिटरमाइन करती है, उस टाइम पे भी ये अपने इस कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस रेज करते हैं। व्हाट डू द कस्टमर डिसलाइक अबाउट योर कंपनी एंड प्रोडक्ट। कस्टमर ऐसा क्या है जो हमारे कंपनी का लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते। व्हाट प्रॉब्लम्स और कंप्लेन आर ऑफन मेंशनड इन योर नेगेटिव रिव्यू। नेगेटिव रिव्यू जो हमारे कंपनीज के बारे में दिए जाते हैं, आप एक प्रोडक्ट परचेस करते हो ना ऑनलाइन में जाकर के अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, आपने देखा ना उसके ऊपर अगर मान लो 200 कस्टमर लोगों ने परचेस किया उस प्रोडक्ट को, तो उसमें 180 लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया, तो 20 लोग ऐसे भी है जो उसी प्रोडक्ट को सेम प्रोडक्ट को परचेस करके और निगेटिव रिव्यू कर रहे हैं। ऐसा है, बिल्कुल होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। तो भाई हम ये देखेंगे कि क्या ऐसा बात है जो हमारे वीकनेस में, जो रिपीटेटिव कस्टमर्स लोगों ने बार बार बोला है ये हमारे लिए वीकनेस है। किस प्रॉब्लम्स को कस्टमर ने सबसे ज्यादा बार रेज किया है, क्या मैटर के ऊपर कस्टमर ने सबसे ज्यादा बार कंप्लेन किया है, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ द कंप्लेन और द प्रॉब्लम्स मेंशन्ड बाय द कस्टमर्स रेगुलरली, तो वह हमारे लिए क्या है वीकनेस है, उसे हमें ठीक करना है। एंड व्हाट डज योर कस्टमर कैंसिल। कस्टमर क्या कैंसिल करता है। व्हाट कुड योर कंपनी डू बेटर। हमारी कंपनी और क्या बेटर कर सकता है। व्हाट आर द मोस्ट निगेटिव ब्रांड एट्रीब्यूट हमारे बारे में क्या है। What are the biggest challenging in your current sales strategy? आपके sales strategy में सबसे biggest challenge अभी के scenario में क्या है? इसको search करना कि क्या है जो हमारे sales को नहीं increase कर पा रहा है? क्या ऐसा चीज़ है जो हमारे sales को भी increase नहीं कर पा रहा है? And what resource do the competitors have that you do not? क्या ऐसा resources है जो आपके competitors के पास available है, but आपके पास available नहीं है? आपके पास नहीं है तभी तो आप weakness में हो। तो इसको पता करना, ये होता है वीकनेस के एनालिसिस करना। सम पॉसिबल क्वेश्चंस यू कुड आस्क टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज माइट इंक्लूड। अपॉर्चुनिटीज के लिए हम क्या क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, कहाँ से अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। हाउ कैन वी इंप्रूव आवर सेल्स और कस्टमर
ऑन बोर्डिंग कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस. हाउ कैन वी इंप्रूव आवर सेल्स, आवर कस्टमर ऑनबोर्डिंग कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं. हाउ कैन वी फर्दर इंगेज मोस्ट वोकल ब्रांड एडवोकेट्स. आर वी एलोकेटिंग द डिपार्टमेंट रिसोर्स इफेक्टिवली, डिपार्टमेंट के रिसोर्स को इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं. इज दे आर बजट टूल्स और अदर रिसोर्सेज दैट वी आर नॉट लिवरेजिंग टू फुल कैपेसिटी. मतलब हमारे पास कुछ ऐसे बजट्स हैं, टूल्स हैं, रिसोर्सेस हैं जिसको हम अपने फुल लिवरेज में, फुल कैपेसिटी में यूज नहीं कर पा रहे हैं. तो ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज अभी भी हमारे पास अवेलेबल है. जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आप 12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो, यू आर हैविंग टाइम बट यू आर नॉट डूइंग योर स्टडीज. तो अगर आप अपने अपॉर्चुनिटीज को खोजने जाओगे तो आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए. तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ये सारे चीजों को कि क्या क्या और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो अपने बिजनेस को हम और अच्छा दे सकते हैं और अच्छा अपने बिजनेस में कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए हम कर सकते हैं. तो ये अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए. What advertising channels exceeded by exceptions and why? तो ये सारे questions raise होते हैं while doing the opportunities threat analysis. फिर threats के लिए देखो क्या है. Threats के लिए when it comes to threat you could certainly begin by asking a series of questions like those above. Emerging or established customer कौन से? कौन ऐसा हमारे industry में engaged competitors है जो established competitor है, और कौन ऐसा है जो इमर्जिंग कंपटीटर है, ये दोनों को खोज. ये हमारे लिए थ्रेट बन सकते हैं. ये हमारे लिए क्या बन सकते हैं? थ्रेट. तो इनके ऊपर हमें काम करना होगा. इनके क्या ऐसे चीजें हैं जो ये बेहतर कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, हमारी वो वीकनेस है उसको ठीक करना. ये एनालिसिस कंपनी को रेगुलर करना पड़ता है इसको मिनिमाइज करने के लिए. ब्रॉडर थ्रेट सच एज चेंजिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स एंड मार्केट वोलेटिलिटी. इंटरनल थ्रेट सच एज द हाई स्टाफ टर्नओवर है, मतलब स्टाफ हमारे यहाँ पर जल्दी जल्दी बदलते हैं, नए स्टाफ आते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ता है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्रोसेस स्लो होता है. तो ये सब चीजों को ठीक करना, ये हमारे लिए थ्रेट्स होते हैं बिजनेस में. डेल कंप्यूटर कैरिंग आउट द शॉर्ट एनालिसिस. डेल कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. डेल कंप्यूटर नाम सुना है ना आपने, डेल कंप्यूटर्स का? थोड़ा एक बार मैसेज करके बताओ सभी लोग, डेल कंप्यूटर का आपने नाम सुना है ना? डेल कंप्यूटर का स्वॉट एनालिसिस में आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स में आपके सामने रखने वाला हूं. बोलो बच्चों, डेल कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ देखिए इसका, स्ट्रेंथ देखिए इसका डेल कंप्यूटर की. डेल कंप्यूटर का ग्रोइंग मार्केट शेयर है, ग्रोइंग मार्केट शेयर इसकी स्ट्रेंथ है. इसका मार्केट में सेल्स में शेयर बढ़ रहा है, मतलब जितने कंप्यूटर बिकते हैं एक परसेंटेज इसका है कि 15% 20% कंप्यूटर डेल के ही बिकते हैं. डायरेक्ट सेल्स अप्रोच है, बिल्ड टू ऑर्डर अप्रोच है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विथ रिपीटेबल सप्लायर्स ऑफ ब्रांड ब्रांड नेम सप्लायर्स ऑफ नेम ब्रांड पार्ट्स एंड द कंपोनेंट्स. लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विथ रिपीटेबल सप्लायर ऑफ नेम ब्रांड पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स. नेम ब्रांड पार्ट्स और कंपोनेंट्स के साथ, मतलब डेल नाम के ही, डेल नाम से अपने कुछ लॉन्ग टर्म इनका पार्टनरशिप है सप्लायर का, जिनके थ्रू ये अपने सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाते हैं, सेल करते हैं. रिपीटेशन और इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड देयर आफ्टर सेल सर्विस इन द मार्केट. आफ्टर सेल सर्विस भी इनका बेहतर है, रिपीटेशन मार्केट में अच्छा है. ये इनकी स्ट्रेंथ है जो मैं स्ट्रेंथ के बारे में खाली आपसे बता रहा हूँ अभी. फिर जस्ट इन टाइम नो हाउ एंड कैपेबिलिटीज इनकी है. कंट्रोल विथ लोकल सर्विस प्रोवाइडर टू हैंडल कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर्स. कॉन्ट्रैक्ट विद द लोकल सर्विस प्रोवाइडर, लोकल सर्विस प्रोवाइडर के साथ सेटिंग कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए लोकल कस्टमर सर्विसेस वालों के साथ अपना टाई अप करना, अपना बिजनेस पार्टनरशिप करना, ताकि कस्टमर्स को एकदम नियर अबाउट एरिया में सेल के सर्विस सेंटर अवेलेबल हो सके, ये उनका स्ट्रेंथ है. इन्वायरमेंटल पॉलिसी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज में चेंजेज आते हैं ये भी अपने कंप्यूटर्स में लेकर के आते हैं, तो ये इनका स्ट्रेंथ है. वीकनेस क्या है इनका? वीकनेस देखिए क्या है, लैक ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड सर्विस ब्रेथ ऑफ द एचपी एंड आईबीएम. लैक ऑफ प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन की कमी एंड प्रोडक्ट लाइन एंड सर्विस ब्रेथ भी इनका इतना ज्यादा नहीं है जितना कि एचपी का है. एचपी कंप्यूटर का भी नाम आपने सुना है एंड आईबीएम का है, उसकी कमी है. द डायरेक्ट सेल अप्रोच इज नॉट द प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन यूरोप, यूरोपियन कंट्री में. जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना,
डायरेक्ट सेल्स अप्रोच है इनका, डायरेक्ट सेल्स अप्रोच इनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में डायरेक्ट सेल्स अप्रोच इज नॉट द प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यूरोपियन कंट्री में डायरेक्ट सेल्स अप्रोच प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, सो वहां के लिए ये क्या बन गया, उनके लिए थ्रेट बन गया। डेल कंप्यूटर खाली किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बेचता है। फिर नॉट इन हाउस रिपेयर सर्विस कैपेबिलिटी इन हाउस रिपेयर सर्विस कैपेबिलिटी नहीं है इनको, अपने रिपेयर्स के लिए क्या करना है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इनके कंप्यूटर्स को कस्टमर के लिए रिपेयर करके प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब इनके लिए क्या है, वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज इनके लिए क्या है अवेलेबल है मार्केट में, कस्टमर वैल्यू, कन्वीनियंस एंड वन स्टॉप शॉपिंग, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज, ये अपने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज वहां पर मैन्युफैक्चर करते हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट इनके सबसे कम आते हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस एक्सेट्रा। मार्केटिंग ऑन द इंटरनेट, इनके लिए इंटरनेट पे मार्केटिंग कर सकते हैं, आज इंटरनेट की दुनिया है, हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पूरे वर्ल्ड वाइड ओवर द इंटरनेट एडवर्टाइज कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च को हम इवेंट एज अ इवेंट पब्लिक के सामने लेकर आ सकते हैं। पीसी हाउसहोल्ड विद इंटरनेट एक्सेस विल इंक्रीज 5% एवरी ईयर, पर्सनल कंप्यूटर हाउसहोल्ड इनका बढ़ रहा है। फिर सम राइवल्स वीक इन पीसी इन ऑल द वर्ल्ड मेजर मार्केट पीसी फील्ड में, जैसे इनके कंप्यूटर्स भी आते हैं, इनके पीसी भी आते हैं और एज वेल एज इनके लैपटॉप्स भी है। तो कुछ ऐसे राइवल्स जो पीसी में क्या है इनसे कमजोर है, ये इनके लिए अपॉर्चुनिटीज है कि उसमें ये बेहतर कर सकते हैं। सर्वर्स मार्केट कैन बी टैप्ड, सर्वर मार्केट को टैप किया जा सकता है, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज है। थ्रेट क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन इनके लिए थ्रेट हो सकता है, इनके कंप्यूटर्स के सेल्स पे इसका इफेक्ट आएगा। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर इकोनॉमिक रिसेशन होगा तो कंप्यूटर ज्यादा सेल होगा कि कम सेल होगा, ऑब्वियसली कम सेल होगा और इनके लिए बिजनेस में थ्रेट हो सकता है। ये सभी बिजनेस में थ्रेट हो सकता है, नॉट ओनली इन द केस ऑफ डेल। फिर एग्रेसिव प्राइसिंग वार्स, आपको पता है इनके बीच में बहुत बहुत खतरनाक वाला प्राइस वार है, ठीक है। इनके जैसे टेलीकॉम कंपनीज के बीच है प्राइस वार, वैसे इनके बीच भी एग्रेसिव प्राइस वार अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये है कंटिन्यूअस चेंजिंग कस्टमर डिमांड, टेक्नोलॉजी की कंपनी है भाई, कंप्यूटर लैपटॉप ये बेचते हैं, टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम नए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, नए उसमें और भी सॉफ्टवेयर्स, नए एप्लीकेशंस, बहुत सारे चीजें इसके अंदर रहते हैं। तो कंटिन्यूअस चेंजिंग डिमांड और डिमांड टाइम टू टाइम दूसरा कंपनी उस कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग दे रहा जो कि इनके कंप्यूटर में अभी तक नहीं आया, तो इनके लिए क्या बन जाएगा, वह थ्रेट बन जाएगा, इनको भी लेके अगली बार वह सर्विस फिर से आना पड़ेगा। आप लोग मोबाइल फोन में देखते हो ना, एक कंपनी जैसा लेकर आती है वह सारा फंक्शंस दूसरे मोबाइल फोन में भी रहेगा, भले उसकी प्राइस कम क्यों नहीं है, जरूर से देता है, कंपटीशन वॉर है एकदम। कस्टमर के टेक्नोलॉजी में हमारी जो इसको प्रेफरेंस है ना, वो टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा बहुत स्पीड में टेक्नोलॉजी में बदल रहा है कस्टमर्स के। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम ऑफ कंपटीटर्स, जो इनके कंपटीटर्स IBM और HP, इनके ब्रांड नेम और ज्यादा मजबूत है, तो ये भी इसके लिए क्या है। अब इनको पीपल जब लैपटॉप परचेस करने जाएगा, कंप्यूटर परचेस करने जाएगा, तो उसके माइंड में अगर एक बार आ जाएगा डेल, तो डेल के साथ साथ और भी दूसरा ऑप्शन IBM भी आएगा और HP भी आएगा, अदर्स ब्रांड भी अभी आ गए मार्केट में जो अच्छा कंपीट कर रहे हैं, उनका भी माइंड में नाम आएगा। तो अब इनको चूजिंग ऑप्शन में अगर दूसरे ब्रांड पे लोग शिफ्ट कर गया तो डेल का सेल वहां पे गिरेगा, अगर यही सबसे अच्छा होता तो इसका ही बिकता, लेकिन और भी रिपीटेड ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है जो इनके लिए थ्रेट है। नेक्स्ट है रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मैं बोल चुका हूँ, लॉन्ग टर्म स्लो डाउन इन ग्लोबल सेल्स ऑफ PC एंड सर्वर्स, कॉर्पोरेट कस्टमर रिलाइंग मोर एंड मोर हैविली ऑन द सिस्टम्स एंड सर्विसेज कैपेबिलिटी दैट IBM एंड HP प्रोवाइड। कॉर्पोरेट कस्टमर जो है, कॉर्पोरेट कस्टमर मतलब टॉप लेवल के कॉर्पोरेट कंपनी जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, ये लोग ज्यादा IBM के ऊपर और HP के ऊपर ज्यादा ये लोग बिलीव करते हैं, तो ये इनके लिए क्या बन गया, थ्रेट बन चुका है, इस कंपनी के लिए वह थ्रेट बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है BCG मैट्रिक्स, मेरे बच्चों BCG मैट्रिक्स में आप चले आओ, BCG मैट्रिक्स दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे, BCG मैट्रिक्स में मैंने आपको 4 कैटेगरी बताया था, डॉग्स, स्टार्स, कैश काउ एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। देखो BCG
ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस दैट कंपनीज बिजनेस यूनिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज, डॉग्स, स्टार्स, डॉग, स्टार्स, कैश काउ एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर विच इज रिलेटिव टू द लार्जेस्ट कंपिटिटर, हेंस द नेम केम इन द इज अ ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स. पीसीजी मैट्रिक्स को हम लोग ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी बोलते हैं. मैं समझाऊंगा पूरा. इसमें डॉग्स का क्या कॉम्बिनेशन है, डॉग्स कौन से प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं. डॉग्स ध्यान दीजिएगा, डॉग्स आर दोज प्रोडक्ट दैट हैव लो ग्रोथ और मार्केट शेयर एंड हैव अ वेरी लिमिटेड चांस ऑफ ग्रोइंग इन टू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट फॉर द कंपनी. लो ग्रोथ और लो मार्केट शेयर. डॉग्स कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉग जो कॉम्बिनेशन है ये रहा. डॉग कौन सा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होता है जिसका लो मार्केट ग्रोथ रेट है और लो मार्केट शेयर है. ये देखो, ये डॉग वाला जो है लो वाले कैटेगरी में आता है, लो मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ रेट. लो मार्केट शेयर भी है और लो ग्रोथ रेट भी इस प्रोडक्ट का. डॉग्स आर दोज प्रोडक्ट दैट हैव द लो ग्रोथ एंड लो मार्केट शेयर एंड हैव अ वेरी लिमिटेड चांस ऑफ ग्रोइंग इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट फॉर द कंपनी. लिमिटेड चांस ऑफ ग्रोथ मीन्स दैट द मैनेजमेंट नीड टू बी वेरी कॉशियस विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन दिस बिजनेस यूनिट और इन दिस प्रोडक्ट. जो डॉग प्रोडक्ट होता है ना, जो डॉग प्रोडक्ट होता है, डॉग बिजनेस यूनिट होता है, उसके ग्रोथ के चांसेस कम है, उसका मार्केट शेयर भी ऑलरेडी कम है. तो कंपनीज का मैनेजमेंट ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते वक्त बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतता है, बहुत ही ज्यादा कॉशियस होता है, बिकॉज इनका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में प्रोडक्ट में ग्रोथ के चांसेस कम है, मार्केट शेयर भी ऑलरेडी पहले से कम है. तो लिमिटेड चांस ऑफ ग्रोथ मीन्स दैट द मैनेजमेंट नीड टू बी वेरी कॉशियस विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन दिस टाइप ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट्स एंड इट विल नॉट यील्ड एनी ग्रेटर बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशंस. क्योंकि जो डॉग प्रोडक्ट होता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशंस को एक बेहतर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज और बेहतर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं करा सकता. डॉग प्रोडक्ट याद कर लो, एकदम ध्यान देना, अभी इसी में मैं डील कर रहा हूँ. द बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट एंड आर द बिजनेस यूनिट्स. The business unit or products are cash trap and will not yield any profit for the. ये cash trap होते हैं. कैसा होते हैं? Cash trap. ये investment लेते जाएगा organizations. सर आपने बच्चे का सवाल है, बच्ची का सवाल है, सर आपने जो डेल कंप्यूटर पे टॉपिक पढ़ाया उसमें से क्या टाइप क्वेश्चंस बन के आएगा? देखो बच्चे, उसमें से मैंने एक जस्ट एक कंप्यूटर और पीसी बनाने वाली कंपनी का, मैं बहुत सारे कंपनीज है उस इंडस्ट्री में, मैंने एक का आपको स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट बताया. आपको और भी बिजनेसेस में जो टेक्नोलॉजी में हैं उनके साथ भी ये स्ट्रेंथ वीकनेस है, ऐसा नहीं कि खाली ये डेल के साथ भी है. तो कोई भी कंपनी का आपको कोई वैसा क्वेश्चन आया केस स्टडीज टाइप का जहां पर इसको लिखने में आपको हेल्प करे, ये पॉइंट्स मैंने एक एग्जांपल्स बताया. सभी बिजनेस में मैंने एक ही बात बोला ना, हर बिजनेस में कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें स्वॉट नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, थ्रेट नहीं है, उसका स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस नहीं है, सभी बिजनेस में. तो आपको वो पेपर में आपको मेनली स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकता है आपको ये याद करना है. अपने बुक को भी ओपन करोगे तो आपको ये याद करना है किसी बिजनेस में क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकता है. जैसे मैंने यहाँ पर बताया वो टेबल में चार मैंने बॉक्स बताया था आप लोगों को इसके पहले, वो एग्जाम्पल आप पढ़ो छोड़ दो डेल का चलेगा. ये जो मैंने आपको बताया ये होता है, ये ओवरऑल सभी बिजनेस के लिए ये है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये ओवरऑल सभी बिजनेस के लिए है. और भी इसमें पॉइंट्स बढ़ेंगे लेकिन इतना इनफ पॉइंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए. ठीक है, आप ऐसा नहीं देखो कि एक कंपनी का पढ़ के चले जाएंगे वहीं आ जाएगा, ये तो गलत धारणा है आपकी. ठीक है, जैसे ये जो बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा, बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर बोलेगा कि शॉर्ट नोट्स लिख के दिखाओ, तो आप इसमें जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ डॉग वाला पूरा, ये पूरा लिखो ना, इसमें डॉट टू डॉट लिखो, पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा. दिस बिजनेस यूनिट्स आर प्रोडक्ट और कैश ट्रैप होता है, मतलब कैश ट्रैप इनको क्यों बोलते हैं,
ये अपने में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है इनको, ऐसे प्रोडक्ट और ऐसा बिजनेस यूनिट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कैश डालते जाओ इनके अंदर लेकिन ग्रोथ के चांसेस कम है। विल नॉट इल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर आर नॉट सीन एज यूजफुल सोर्स ऑफ अर्निंग। जो डॉग प्रोडक्ट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, ये यूजफुल सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। फिर आ जाओ अब कैश काउ। कैश काउ कैसा प्रोडक्ट है? सेकेंड प्रोडक्ट हमारा क्या है? कैश काउ है। दीज आर द प्रोडक्ट विच आर इन लो ग्रोथ मार्केट विथ हाई मार्केट शेयर। लो ग्रोथ मार्केट, यहां पर क्या है, ये दो जो वर्ड मैंने यहां पर की वर्ड के तौर पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये आपके जो आप बोलते हो ना कि सर क्या ऐसा एग्जाम्स में लिख दे कि एकदम अच्छा हो जाए, अच्छा नंबर मिल जाए, ये की वर्ड है इस पॉइंट में। ये की वर्ड था लो ग्रोथ और लो मार्केट शेयर। इसमें डॉग वाले में क्या था, ग्रोथ रेट भी कम था, मार्केट शेयर भी कम था। कैश काउ में क्या है, लो आपका यहां पर लो ग्रोथ रेट मार्केट है, लो ग्रोथ मार्केट है लेकिन हाई मार्केट शेयर है यहां पर, यहां पे मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। दीज आर द प्रोडक्ट विच आर इन लो ग्रोथ मार्केट। लो ग्रोथ मार्केट में ग्रोथ धीरे धीरे होगा, ग्रोथ धीरे धीरे होगा लेकिन मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। व्हेन द मार्केट शेयर ऑफ प्रोडक्ट इज हाई, जब प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है, जैसे कैश काउ में मार्केट शेयर ज्यादा है। एंड इज बिंग सोल्ड इन एन इंडस्ट्री इज नॉट एक्सपेक्टेड टू सी एनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द फ्यूचर, देन द प्रोडक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज द कैश काउ। व्हेन द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई एंड इज बिंग सोल्ड इन एन इंडस्ट्री इज नॉट एक्सपेक्टेड टू सी एनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द फ्यूचर। सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ये शेयर बहुत ज्यादा हम बेच पा रहे हैं लेकिन इसका ग्रोथ फ्यूचर में कम दिख रहा है। अभी जो है शेयर हम ज्यादा मार्केट में बेच पा रहे हैं लेकिन इसका फ्यूचर में ग्रोथ कम दिख रहा है, तब ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं कैश काउ। तब ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं? कैश काउ नाम देते हैं। और कैश काउ बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट आर द बेस्ट रेवेन्यू जनरेटर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वायर वेरी लो इन्वेस्टमेंट टू सस्टेन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करने के लिए सर कैश काउ फिर तो अच्छा है। अरे एकदम बिल्कुल अच्छा है, हाई मार्केट शेयर है, ग्रोथ रेट इसका लो ग्रोथ मार्केट है, इसका मार्केट में ग्रो करने में बहुत समय लगेगा, ग्रो धीरे धीरे करेगा, नहीं भी ग्रो कर सकता है, लेकिन इसमें बेनिफिट यह है कि करंट सिनारियो में रेवेन्यू जनरेट करने का बेस्ट ऑप्शन है। लो इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायर्ड होता है। ये जो सेकेंड पैराग्राफ में मैंने जो लाइन दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कैश काउ बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट आर द बेस्ट रेवेन्यू जनरेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वायर द वेरी लो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत कम जरूरत पड़ता है एंड सस्टेन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। कम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन करता है और ये रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे आसान तरीका है। सिंस द मार्केट शेयर ऑफ दिस बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस मैसिव गेन्स बट देयर करेंट मार्केट पोजिशन मेक देम अ हाई रेवेन्यू जनरेटर। क्या बोला है, ऐसा क्यों है सर, इसका कारण क्या है, ऐसा होने का कारण क्या है? मार्केट शेयर इस बिजनेस यूनिट का क्या है? यहां पे सिंस द मार्केट शेयर ऑफ दिस बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस मैसिव गेन। मार्केट शेयर ज्यादा गेन नहीं करेगा लेकिन करंट मार्केट पोजिशन इसका जो है, करंट मार्केट में हाई रेवेन्यू जनरेट करके मार्केट को दे सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग कैश काउ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश काउ बोलते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है स्टार। ये स्टार कैसा प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा, स्टार कैसा प्रोडक्ट है। दीज आर द प्रोडक्ट विथ अ हाई ग्रोथ मार्केट। हाई ग्रोथ मार्केट है विथ अ हाई मार्केट शेयर। सर ये तो सबसे अच्छा वाला लग रहा है देखने में। हाँ जी बच्चों, ये सबसे अच्छा वाला है मार्केट में देखने में। तो भाई स्टार मार्केट कैसा है? हाई ग्रोथ मार्केट है। एकदम याद कर लो, स्टार मार्केट में हाई ग्रोथ मार्केट है। ग्रोथ मार्केट भी इसका क्या है? हाई है। ग्रोथ मार्केट भी इसका हाई है और एज वेल एज हाई मार्केट शेयर भी है इसमें। There are some product which have high market share and have the potential to grow more in future. Already market में share बहुत ज़्यादा है और भी future में growth के chances
ही है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार। हाई ग्रोथ मार्केट है और हाई मार्केट शेयर है, मार्केट में शेयर भी पहले से ज्यादा है और भी ग्रोथ के चांसेस फ्यूचर में है। द इंडस्ट्री डायनेमिक्स आर ऑल्सो सपोर्टिव ऑफ द ग्रोथ एज द इंडस्ट्री इज इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट एज वेल। द इंडस्ट्री डायनेमिक्स, डायनेमिक इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का डायनेमिक्स होना मतलब चेंजिंग होते रहना इंडस्ट्रीज में, लगातार चेंजेस आना इंडस्ट्री में, ये और भी ज्यादा हमारी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सपोर्टिव है इंडस्ट्री में। और इसके वजह से इंडस्ट्री इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट एज वेल द प्रोडक्ट हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग पोजीशंड एज कैश काउ ओनिंग टू द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। दिस प्रोडक्ट हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग पोजीशंड एज कैश काउ ओनिंग टू द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तक हम गए तो कैश काउ में कन्वर्ट हो सकता है ये। चार एंड व्हाट इज द, आपको इसमें और एक था कैश काउ ग्रोथ और आपका क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क उसको मैं डील नहीं किया हूं यहां पर। व्हाट इज द एनसॉफ मैट्रिक्स, एनसॉफ मैट्रिक्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। एनसॉफ मैट्रिक्स, द एनसॉफ मैट्रिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। एनसॉफ मैट्रिक्स को हम लोग प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के नाम से भी जानते हैं। एनसॉफ मैट्रिक्स इज अ टूल यूज्ड बाय द कंपनीज टू एनालाइज एंड प्लान देयर स्ट्रेटजी फॉर द ग्रोथ। एनसॉफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपके आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स एग्जाम्स में आता है तो आप इसी तरीके से रिप्लाई करेंगे। एनसॉफ मैट्रिक्स इज अ टूल यूज्ड बाय द कंपनीज टू एनालाइज द प्लान्स एंड स्ट्रेटजी फॉर देयर ग्रोथ इन द बिजनेस। द मैट्रिक्स शोज फोर स्ट्रेटजीज दैट कैन बी यूज्ड बाय द कंपनीज फर्म्स ग्रो एंड ऑल्सो एनालाइज द रिस्क एसोसिएटेड विथ इच स्ट्रैटेजी। इस मैट्रिक्स में चार स्ट्रैटेजीज बताए गए हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फर्म के ग्रोथ में हेल्प करता है और रिस्क जो स्ट्रैटेजीज रहता है एनालाइज द रिस्क एसोसिएटेड विथ इच स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। क्या है देखो, इसके इसके चार एनसॉफ मॉडल के एनसॉफ जो मैट्रिक्स है इसके चार जो स्ट्रेटजीज है देखिए क्या है यहाँ पे। एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केट पेनिट्रेशन, न्यू प्रोडक्ट के लिए एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नया है मार्केट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू मार्केट है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मार्केट नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो ये अंडरस्टैंडिंग द एंड्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम लोग समझेंगे इसको, एंड्स ऑफ द एंड्स ऑफ मैट्रिक्स हेल्प द मार्केटर्स एंड लीडर अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ ग्रोइंग देयर बिजनेस। एंड्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हमें बताता है, ये मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन एंड बिजनेस मैनेजर थे एंड्स ऑफ, इन्होंने ये अपना पब्लिकेशन करके इसको बिजनेस रिव्यू दिया था, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 1957 में इनका एक बुक पब्लिश हुआ था, उसमें इन्होंने इस मॉडल के बारे में समझा। द एनसॉफ मैट्रिक्स हेल्प द मार्केटर्स एंड लीडर्स अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ ग्रोइंग देयर बिजनेस। अगर हम अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या रिस्क एसोसिएट हो सकता है, उन्होंने चार स्ट्रेटजीज बताया। मार्केट पेनिट्रेशन, इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू एन एग्जिस्टिंग मार्केट। मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट भी हमारा क्या है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, मतलब मार्केट ऑलरेडी रेडीमेड मार्केट है, सिर्फ हमें मार्केट में जाकर प्रोडक्ट बेचना है, नए मार्केट हमें नहीं खोजना है, मार्केट बना हुआ है, कस्टमर्स हमें बहुत ज्यादा मिल सकते, और प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, ऐसे तरह के प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, दैट मीन्स ऐसे तरह के प्रोडक्ट हम भी बना रहे हैं और हमारे जो कंपटीटर है ये लोग भी ऐसे तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और ऐसे प्रोडक्ट को हमें मार्केट में पेनिट्रेट करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें अपना शेयर बनाना है मार्केट में, ये है मार्केट पेनिट्रेशन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, इट फोकसेस ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट टू एन एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग मार्केट में नए प्रोडक्ट को लेकर के आना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट टू एन एग्जिस्टिंग मार्केट। मोबाइल फोन हम सभी लोग यूज करते हैं, मोबाइल फोन के यूजर पूरे दुनिया में करोड़ों की संख्या में है, करोड़ों, और इन करोड़ों कस्टमर्स को प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके नए तरह के प्रोडक्ट ला करके और उनको देना, ये होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो प्रोडक्ट अभी यूज कर रहे हैं उससे बहुत हट के कुछ नया देना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या है,
इट फोकस ऑन एंटरिंग अ न्यू मार्केट यूजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पीपल है, ऐसे भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर है पूरे वर्ल्ड वाइड जो अभी इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। कुछ अर्बन एरिया और टाउन सिटीज में रहने वाले लोग ही यूज करते हैं। हमें एक ऐसा मार्केट डेवलप करना है कि हर लोगों तक इसको हम पहुंचा सके। मार्केट डेवलपमेंट, नए मार्केट बनाना। जैसे कैडबरी का एग्जांपल्स आप ले लो, पहले कैडबरी किसके लिए मार्केट हुआ करता था? कैडबरी सिर्फ बच्चे खाते थे, मतलब कैडबरी मतलब बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए है। लेकिन अभी इसने अपने एडवर्टाइजमेंट्स को उस तरह से ब्रांडिंग किया, अपने प्रोडक्ट्स को उस तरह से ब्रांडिंग किया, तो मार्केट डेवलपमेंट नए तरह के कस्टमर को खोज कर लेकर आना, नए तरह के कस्टमर को खोज के ले आना, ये मार्केट डेवलपमेंट। मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कितने से कितने एज ग्रुप के लोग मैक्सिमम हमारे पास आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी एज ज्यादा है, लेकिन वो लोग भी जो लोग सीए सीएमए सीएस के कोर्सेज करते हैं वही लोग हमारे पास सिर्फ आते हैं, और लोग नहीं आते हैं ना। और एक एज ग्रुप है कि इस ग्रुप एज ग्रुप में ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन हम अगर ऐसा कोई कोर्स बनाए जो कि 55 इयर्स का पीपल भी हमारे उस कोर्स को परचेज करके पढ़े, को हेल्प करें उसके लाइफ में, तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया मार्केट हमें मिला। इस तरह के मार्केट खोजना, एंटरिंग न्यू मार्केट बाय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये हुआ मार्केट डेवलपमेंट। एंड डाइवर्सिफिकेशन, इट फोकस ऑन एंटरिंग अ न्यू मार्केट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी नया, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नया, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना। प्रोडक्ट भी न्यू और मार्केट भी न्यू, डाइवर्सिफिकेशन। ऑफ द फोर स्ट्रेटजीज, मार्केट पेनिट्रेशन इज द लिस्ट रिस्की, सबसे कम रिस्की है मार्केट पेनिट्रेशन। सर ये सबसे कम रिस्की क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, सिर्फ हमें अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पेनिट्रेट करना है, ज्यादा से ज्यादा अपना शेयर मार्केट में बढ़ाना है, इसलिए ये सबसे लेस रिस्की है। वाइल डाइवर्सिफिकेशन सबसे रिस्की है, सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट है, बिकॉज की मार्केट भी नया है, प्रोडक्ट भी नया है, क्या पता चले नहीं मार्केट में, तो ये सबसे ज्यादा रिस्की है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ मेरे बच्चों, यहाँ पे एडीएल मैट्रिक्स, आर्थर डी लिटिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, आर्थर डी लिटिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। देखिए क्या है ये एडीएल मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स, किसी ना किसी पे तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन में आएगा ही। सर ये दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक आ सकता है क्या? बिल्कुल दोनों में से कोई एक आएगा आपके एग्जाम्स में, ये तो आप सोच के मत जाओ कि इसमें से कोई रह जाएगा, एग्जाम्स में आएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ मेरे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक आपके क्या, व्हाट इज एडीएल मैट्रिक्स? टू गेन मोर इनसाइट इनटू द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू गेन मोर इनसाइट इनटू द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आर्थर डी लिटिल डेवलप्ड द स्ट्रेटजिक कंडीशन मैट्रिक्स, स्ट्रेटजिक कंडीशन मैट्रिक्स को आर्थर ने डेवलप किया, विच इज ऑल्सो नोन एज द एडीएल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। एडीएल मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, एडीएल मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, द कॉम्पिटेटिव पोजीशन, नंबर वन क्या है द कॉम्पिटेटिव पोजीशन, और नंबर टू क्या है द इंडस्ट्री मैच्योरिटी, मैच्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इंडस्ट्री मैच्योरिटी दैट मीन्स मैच्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द कॉम्पिटेटिव पोजीशन एंड द मैच्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द कॉम्पिटेटिव पोजीशन एंड द मैच्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एडीएल मैट्रिक्स में ये आपके दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, कॉम्पिटेटिव पोजिशन और स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री मैच्योरिटी। मेरे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे, मेरे बच्चों यहाँ पे काफी ध्यान देंगे, द कॉम्पिटेटिव पोजिशंस, कॉम्पिटेटिव पोजिशंस दो हैं यहाँ पे, कॉम्पिटेटिव पोजिशंस हमारे, कॉम्पिटेटिव पोजिशंस हैं और इंडस्ट्री मैच्योरिटी है, इंडस्ट्री ये है, ये आपके दो डायमेंशन है, डायमेंशन नंबर वन ये रहा और डायमेंशन नंबर टू ये रहा। इन दोनों को एक्सप्लेन किया जाएगा अभी आपको, ध्यान से समझेंगे। एम्ब्रायोनिक ग्रोथ, मैच्योर और एजिंग, स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी, इंडस्ट्री के मैच्योर होने का, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग कैसे बचपन चाइल्डहुड होता है, यंग एज आता है, मैच्योरिटी एज आता है, फिर ओल्ड एज आता है, अपने साथ भी ऐसा ही है, सभी के साथ है भाई, तो इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, इंडस्ट्री का एम्ब्रायोनिक सिचुएशन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योर होता है, एजिंग होता है। मैं एक एग्जांपल आपको लेकर के बताता हूं, स्मार्टफोन जो आज
मैक्सिमम पीपल के हैंड में आप देखोगे, मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, कौन कितना महंगा यूज कर रहा है उससे मेरा लेना देना नहीं है, स्मार्टफोन। लेकिन क्या जब कीपैड फोन हुआ करते थे और उस समय जब स्मार्टफोन आया तो क्या सभी लोगों ने इन द बिगिनिंग परचेज कर लिया? कितने लोगों को तो ऐसा लगता था कि हम तो यूज ही नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए तो बहुत टफ काम होगा, ऐसा सोचते थे। तो उस समय स्मार्टफोन की जो इंडस्ट्री थी, स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनी स्मार्टफोन बनाते हैं, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो था एम्ब्रियोनिक सिचुएशन में था, देयर वेर वेरी लो नंबर ऑफ द यूजर्स इन द मार्केट, यूजर्स इन द मार्केट। फिर ये वर्ल्ड वाइड धीरे 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 इनके मार्केट में पीपल्स यूजर्स बढ़ने लगे, ग्रोथ होने लगा, लोगों को पसंद आने लगा, ग्रोथ होने लगा, ग्रोथ होने लगा। आज पूरे वर्ल्ड वाइड मेच्योरिटी की तरफ ये लोग चले आए हैं, वर्ल्ड वाइड दुनिया का हर पर्सन, एक 6 साल का बच्चा भी ऑनलाइन स्टडीज के लिए मोबाइल फोन उसको परचेज करके मिलता है घर से, भाई तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस अगर हो रहे हैं कहीं से तो तुम इसको करो, इससे टैबलेट उसको मिल रहा है, तो वह भी टैबलेट भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंडर ही आता है। तो मैच्योरिटी स्टेज की तरफ ये चला आया है। तो ये हमें देखना है कॉम्पिटिटिव पोजिशन एक बिजनेस का क्या क्या हो सकता है। एक बिजनेस का कॉम्पिटिटिव पोजिशन ये हो सकता है, डोमिनेंट बिजनेस का कॉम्पिटिटिव पोजिशन क्या हो सकता है, डोमिनेंट मतलब मार्केट में हम डोमिनेट कर रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटिव पोजिशन क्या है? अगर कोई पूछेगा हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है तो हम डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। सर्च इंजिन्स तो बहुत सारे हैं, सर्च इंजिन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन गूगल क्या है, डोमिनेट कर रहा है अभी पूरे मार्केट को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, डोमिनेंट कॉम्पिटिटिव पोजिशन में है। दूसरा कॉम्पिटिटिव पोजिशन क्या हो सकता है मेरे बच्चों, दूसरा कॉम्पिटिटिव पोजिशन क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पोजिशन, हम डोमिनेट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग पोजिशन। फिर तीसरा क्या हो सकता है, फेवरेबल, फेवरेबल ठीक है हम अपने इंडस्ट्री में अच्छा जा रहे हैं, फेवरेबल सिचुएशन में है। और लास्ट आपका फेवरेबल के बाद है टीनेबल, टीनेबल ये है टीनेबल, डी नंबर ये है कॉम्पिटिटिव पोजिशन टीनेबल। और पांचवा और आखिरी, पांचवा और आखिरी जो है वीक कॉम्पिटिटिव पोजिशन, मतलब वीक लोग जो है मार्केट से निकलने वाले रहते हैं, इनका ये हालत है। अब इन सभी के अंदर जाकर के हमें सीखना है डोमिनेंट के एम्ब्रियोनिक सिचुएशन, डोमिनेंट का ग्रोथ, डोमिनेंट का मेच्योरिटी, डोमिनेंट का एजिंग, ये भी हमें पढ़ना है। डोमिनेंट का एम्ब्रियोनिक सिचुएशन, स्टार्टअप होता है, कोई डोमिनेंट अगर है अपने इंडस्ट्री में, एम्ब्रियोनिक सिचुएशन में जब वो रहा होगा तो एक स्टार्टअप की तरह आया, इन्होंने अपने ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ था इनका इंडस्ट्री में, और बैरियर्स इन्होंने बिल्ड किया। बैरियर्स बिल्ड करने का मतलब क्या हुआ, और ऐसा ऐसा प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाया जो दूसरे जो न्यू कमर्स है उसके इंडस्ट्री में वो लोग जल्दी बना के नहीं दे सकते मार्केट को, बैरियर्स तैयार करना, दूसरे कंपटीटर्स लोगों के लिए बाधा क्रिएट कर देना कि ये लोग जल्दी से मार्केट में इंटर अगर कर भी गए तो हमारी तरह प्रोडक्ट लाइन इनके पास नहीं होगा, हमारी तरह सर्विस लाइन इनके पास अवेलेबल नहीं होगा। ग्रोथ सिचुएशन में जब ये होते हैं डोमिनेंट वाले जब ग्रोथ सिचुएशन में होते हैं, फास्ट ग्रोथ इनका होता है, अटेन कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप मतलब कम से कम कॉस्ट में ये प्रोडक्ट बना करके मार्केट को देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, रिन्यू करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को, टाइम टू टाइम रिन्यू करना। ग्रोथ स्टेज में क्या करना पड़ता है, ग्रोथ करने के लिए फास्ट ग्रोथ है, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बना के देते हैं, रिन्यू करते रहते हैं मतलब प्रोडक्ट में हमेशा कुछ नया करते रहते हैं। डिफेंड पोजिशन, पोजिशन को डिफेंड करना, एंड एक्ट ऑफेंसिव एक्ट करते हैं मतलब कंपटीटर से हमेशा कुछ न्यू तरीके से, न्यू एडवांटेजियस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में डोमिनेंट वाले जो होते हैं, डिफेंड पोजीशन को डिफेंड करना, अपने पोजीशन पे बने रहना, डोमिनेट तो तभी करेगा इंडस्ट्री को जब वो अपने पोजीशन पे बना रहेगा। अटेंड कॉस्ट लीडरशिप, रिन्यू, फास्ट ग्रोथ, एक्ट ऑफेंसिव, ये सब कुछ ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी में भी उनको मेंटेन करना पड़ता है। एजिंग स्टेज में जब होते हैं डिफेंड पोजीशन, कॉस्ट पे फोकस रखना, रिन्यू करना, और हार्वेस्ट और डाइवेस्ट करना, ठीक है ना, हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। तो जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है वहां पर डाइवेस्ट भी करते हैं ये लोग, ठीक है। तो एजिंग स्टेज में अपनी कंपनी ऐसी होती है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जब होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन में होते हैं और एम्ब्रियोनिक सिचुएशन में रहते हैं तो स्टार्टअप डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ अपने कंपटीटर से नया बना करके मार्केट को देने की कोशिश, फास्ट ग्रोथ रहता है इनका भी, और बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आपको देखो मिलेंगे, फास्ट ग्रोथ, रिन्यू, डिफरेंशिएट। ये क्यों आए मार्केट में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन इनका मार्केट में क्यों है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अगर एंड्रॉयड मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है तो जो
एप्पल की जो कंपनी है आई स्टोर एप्पल, ये लोग भी अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन मार्केट में बना के रखे हैं, बिकॉज ये लोग कुछ अलग देते हैं मार्केट को, डिफरेंशिएट करके रखे हैं। तो डिफरेंशिएशन, कॉस्ट पे फोकस रखना, ऑफेंसिव एक्ट करना, ये सब कुछ इनका कॉमन मिलेगा आपको यहाँ पर पॉइंट्स, यहाँ पर ये आपको पूरा एकदम मतलब याद रखना है इसको आपको पूरा। फेवरेबल क्लासेस के दौरान भी इसको आपको बताया गया है। वीक वाले सिचुएशन में जब कंपनीज होता है, ये इनका पूरा स्टेजेज है, इन स्टेजेस तक मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। इंडस्ट्री मैच्योरिटी के चार कैटेगरी होते हैं, इंडस्ट्री मैच्योरिटी के चार कैटेगरी होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज किसको हम लोग बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक, जो अभी हम नाम ने बताया, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ मैच्योरिटी एजिंग, एम्ब्रियोनिक क्यों कब होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज कैरेक्टराइज बाई अ रैपिड ग्रोथ मार्केट, वेरी लिटिल कॉम्पिटिशन एंड हाई सेल्स प्राइस, एंड हाई सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस ज्यादा है, रैपिड ग्रोथ है मार्केट में और कंपटीशन कम है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है। ग्रोथ स्टेज द मार्केट कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन एंड सेल्स इंक्रीजेज, मार्केट स्ट्रेंथन हो रहा है, सेल्स इंक्रीज कर रहा है और देर आर फ्यू कंपटीटर राइट नाउ इन द मार्केट, पहले कंपटीटर नहीं थे, लिटिल कंपटीटर थे, अभी कुछ कंपटीटर है। मैच्योरिटी स्टेज में द मार्केट एंड मार्केट शेयर आर स्टेबल, मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है उसका मार्केट और मार्केट शेयर ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट में क्या है, स्टेबल है, मतलब जितना परसेंटेज वो मार्केट में होल्ड करता है अपने सेल्स का, मान लो पूरे प्रोडक्ट जितने बिक रहे हैं उसमें अपना वो 30% शेयर रखता है सेल्स का कंपनी, तो 30% पे अपने को रोक के रखा, स्टेबल होना। देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस है, मतलब इसके कस्टमर्स इतना ज्यादा सेटिस्फाइड है इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज, एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस है, हमारे प्रोडक्ट एक कस्टमर लेके जाएंगे। और प्राइस इज लोअर्ड बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग कंपटीशन, प्राइस भी लो करके रखा है, कॉस्ट लीडरशिप इसको अचीव रहता है, बहुत दिन से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो ये सब के वजह से ग्रोइंग कंपटीशन में ये लोअर्ड प्राइस पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल करता है जो कि कंपटीटर नहीं कर सकते। और एजिंग स्टेज में क्या होता है, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीजेज एंड कंपनीज अबैंडनिंग द मार्केट्स, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, कंपनीज स्टॉप कंसोलिडेटिंग और लीव द मार्केट, ठीक है ना, कंपनीज स्टॉप द अबैंडनिंग द मार्केट, कंपनीज आर अबैंडनिंग द मार्केट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट शेयर कंपनीज मार्केट में अब इसके डिमांड्स प्रोडक्ट्स के कम हो रहे हैं, तो कंपनी यहाँ पर मार्केट को क्या करता है, कंसोलिडेट करना स्टॉप करता है या मार्केट को लीव कर देता है, ऐसे सिचुएशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे कंपिटेटिव पोजीशन में क्या होता है, डोमिनेंट पोजीशन, एट दिस स्टेज देयर इज लिटिल और नो कंपटीशन बिकॉज अ न्यू और अननोन प्रोडक्ट इज ब्रॉट टू द मार्केट। डोमिनेंट पोजीशन में कब होता है कोई कंपनी, जब इसका कोई कंपटीटर मार्केट में नहीं है, कोई कंपटीटर नहीं है, न्यू प्रोडक्ट लेकर के आया, अननोन प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आया है जो पीपल्स के लिए यूजफुल भी है, नो इसका एकदम मोनोपोली है या प्रोटेक्टेड लीडरशिप है इसके पास, डोमिनेंट पोजीशन स्ट्रॉन्ग, द मार्केट शेयर इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कंपटीशन इज डूइंग, कोई भी कंपटीशन हो रहा है मार्केट में इसका अपना स्टेबल मार्केट है, कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग है और कंपनी स्टेबल है, इसका मार्केट शेयर स्टेबल है, तब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होना बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग कंपिटेटिव पोजीशन में होना कंपनी का बोला जाता है। फेवरेबल सिचुएशन कब बोला जाता है, द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय कंपिटेटिव एडवांटेज इन सर्टेन सेगमेंट ऑफ द मार्केट, मार्केट के कुछ सेगमेंट में इसका कंपिटेटिव एडवांटेज है, कुछ मायनों में, कुछ मैटर में कंपनी बेहतर दे पा रही है अदर्स से, तो ये फेवरेबल सिचुएशन में होता है। देयर आर मेनी कंपिटीटर एज इंडस्ट्री इज फ्रेगमेंटेड, सिनेबल सिचुएशन क्या है, द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द ओवरऑल मार्केट इज स्मॉल है एंड मार्केट शेयर इज बेस्ट अमॉन्ग अदर थिंग्स ऑन अ नीस के बेसिस पे, डिमांड के बेसिस पे और सम अदर फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पीपल के नीस, पीपल के डिमांड के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को बना करके मार्केट को दे रहे हैं, हमारी मार्केट शेयर भी कम है, तब इनेबल कंपिटेटिव सिचुएशन में कंपनी का होना बोला जाता है। और वीक सिचुएशन में बिजनेस इज टू स्मॉल टू बी प्रॉफिटेबल और सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म, बिजनेस इतना छोटा है कि लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता है, प्रॉफिटेबल नहीं है, ग्रोथ नहीं है इसमें और क्रिटिकल वीकनेस एग्जिस्ट कर रहा है, इसको वीक कंपिटेटिव पोजीशन में होना बिजनेस को बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पेस्ट एनालिसिस से नेक्स्ट सेशन में करेंगे, कल के सेशन में पेस्ट एनालिसिस में आपको कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा है जो एक दिन में थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको समझने में, एक चैप्टर आपने ऑलरेडी आज ही के सेशन में किया है, तो यहां से हम लोग अगले क्लास में करेंगे, आज का आपका सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, आप अगले सेशन में इसका नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उस